तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट। और आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है आपका कि ये बताना है आपको कि यहाँ पर विद्युत धारा का संबंध किससे होगा। तो विद्युत धारा का संबंध देखिए किस प्रकार से आप निकालोगे। दाब का जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, इसलिए जो विद्युत धारा है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, यहां बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। ठीक है, देखिए आपको पहले ये जो वन, ये टू और ये थ्री, पहले की कंपैरिजन यानी तुलना करनी है दूसरे से। तो यहां पर आप देखें ये वाला जो डायग्राम है यानी ये जो इमेज है ये आ गई यहां पर, यानी पूरी की पूरी जो चित्र है वो एंटी क्लॉक 90 डिग्री टर्न होकर के ये आ गया यहाँ पर। फिर ये क्या हुआ, दूसरे से तीसरे में जब जाओगे तो ये यहाँ पर आ गया बेटा, ये देखिए। ठीक है, यानी तीन से जब चार में जाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर इस तरीके से बन के आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इस तरीके वाली डिजाइन राइट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो ये वाली तो कैंसिल हो गई, इन तीनों में ऐसा है। अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान देते हैं कि ये जो एरो है ये किस तरीके से जा रहा है। ये हुआ एक से दो में गए हम लोग तो 45 डिग्री देखिए टर्न कर गया क्लॉकवाइज, यानी ऐसे था और ये क्लॉकवाइज 55 डिग्री। नेक्स्ट यहां दो से तीन में देखिए ये इस तरीके से हो गया, यानी 45 और टर्न कर गया। तो तीन से चार में क्या होगा, ये इस तरीके से टर्न हो जाएगा, तो ये वाला ही राइट होगा। और ऐसा ना इसमें है और ना इसमें, इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग, यहां पर ये सीरीज दी हुई है, पूछ रहे क्वेश्चन मार्क पे क्या है। तो देखते हैं पी एस आर, देखिए पी से एस, फिर आर और फिर यू और फिर ई, ये पैटर्न है। जरा इसमें देखिए कैसे बना, देखना आर फिर पी फिर ई फिर एस फिर यू। अब देखिए यहां से यहां तीन से चार भी देखिए E R U P S, ठीक। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा P, P से जाएंगे हम लोग P, यहां जो बनाया था R P, यानी कि इसका मतलब ये हुआ पहले आएगा U फिर E S R ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें। और फोर क्या कहता है, फोर में बताना है तो ए से सी, ए से सी यानी वन, ये थ्री होता है और ये हो गया फाइव, ये सेवन, ये नाइन, ये इलेवन, यानी ए से सी प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू, प्लस टू ही है सब में, हाँ प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू फिर प्लस टू, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा प्लस टू, इलेवन प्लस टू थर्टीन, यानी कि एम आ जाएगा। अब देखते हैं वाई से डब्ल्यू, वाई कितना होता है पच्चीस और डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री, यानी कि पच्चीस से आप आ गए ट्वेंटी थ्री यानी माइनस। यहां देखिए ये आ गया माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। तो ओ से माइनस टू, ओ होता है 15, 15 माइनस टू 13 mm, mm विल बी ऑप्शन बी आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर पांच पे चलें। यहां देखते क्या सीरीज चल रही है, 18 प्लस 22 यानी प्लस 4 और 22 से 44 यानी इंटू टू, ओके। यहां देखिए प्लस फोर, फिर हो गया यहां पर प्लस फोर और कह रहे कौन सी संख्या गलत है, तो यहां पर होना चाहिए था इंटू टू यानी कि दो अठे सोलह जो को आठ को नौ और यहां पर फिफ्टी टू, यही है आपका आंसर है। गलत बताना है कौन सा है, ऑप्शन बी इसमें सही, यानी फिफ्टी टू यहां पर नहीं आएगा, क्या आएगा 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विषम की पहचान करना। विषम यानी देखते हैं वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज,
गोला, समांतर, चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज, षटकोण, इसमें जितनी भी आकृतियां हैं ये सिर्फ गोला को छोड़ करके वे सब की सब जो है ये सारी 2D है, टू डायमेंशनल इमेज है, जबकि गोला जो है वो 3D है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। चलें क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, और आगे हम लोग 7 पे। 7 कह रहे इनकम को HPE, देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, INCOME इनकम का कोड क्या है, HPEMOG, ठीक है। तो यहां देखिए आई से एच प्लस वन और एन से पी प्लस टू और आई से एच माइनस वन, एन से पी इनकम, आई एच एन पी टू सी थ्री प्लस टू ओ वन एम ओ। ओके, इसमें देखते हैं एक बात फिर से, ये रहा इनकम का कोड दिया है, इनकम को लिखा है एच PEMOG, नंबरिंग कर दीजिए जरा, 9, 14, 3, 15, 13, 5 और ये है 8, 16, 5, 14, 15, 7। तो क्या इसमें होगा, ये है एन से 8 यानी माइनस वन, 14 to 16 प्लस टू, 3 से 5 प्लस टू, 13 से 14 प्लस वन, 13 to 15 प्लस टू और 5 से 7 प्लस टू। तो यही चीज इसमें करेंगे, तो एस में चलेंगे पहले माइनस वन, माइनस वन यानी कि क्या आएगा आर, और ए में प्लस टू यानी आर सी, और वी में क्या आएगा प्लस टू यानी कि आ जाएगा आर सी एक्स, और आई में हम लोग करेंगे माइनस यानी आर सी एक्स एच। तो देखते हैं आर सी एक्स इसमें नहीं है, आर सी एक्स एच इसमें है, आर सी एक्स इसमें भी है, आर सी एक्स एच इसमें भी है। आगे चलें तो यहां पर इसमें एम से ओ प्लस टू यानी कि एन प्लस टू पी आएगा, तो पी वाला ये भी कैंसिल हो गया। अब करते हैं लास्ट वाला प्लस टू और जी प्लस टू यानी कि आई, आई यानी ऑप्शन सी आंसर। ये देखते हैं गांव पी क्योंकि पूर्व में है, ये हो गया क्यू, इसके पूर्व में कौन है गांव पी, और आर पी के उत्तर में यानी कि आर भी हो पी के, ये देखिए ये आर हो गया। अब एस आर के पश्चिम में है, एस कहाँ है आर के पश्चिम में, ये एस हो गया, एस कहाँ पी के यानी पी के किस दिशा में, तो पी के ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर, और ये पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम यानी ऑप्शन सी। अब देखिए इसको क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या कर रहे हैं, किसमें दिया है कि ए डी की चाची, अब ए डी की चाची तो ए पर क्या आना चाहिए माइनस, डिवीजन की वैल्यू क्या है, देखो डिवीजन कहता है पी डिवीजन यानी पी क्यू की माता, यानी कि ए जो है ए माता हो गई किसकी, ई की हो गई, और इंटू क्या कहता है, इंटू कहता है पी क्यू का भाई यानी ई डी का भाई, तब तो यहां ए माता हो गई डी की, इसलिए ये वाला कैंसिल। प्लस क्या कहता है, प्लस कहता है पी क्यू की बहन, नहीं यहां पर आइए ए जो है वो हो गई बहन किसकी, वो ई की बहन हो गई, इंटू क्या कहता है इंटू ई डी का भाई, ये देखिए ये इनका भाई, तो यहां ये तीनों तो आपस में भाई बहन जैसे हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। अब इसको देखते हैं, ए प्लस बी, प्लस क्या कहता है
पी क्यू की बहन, यानी ए बी की, ए बी की बहन, और बी भाग सी, भाग का अर्थ ये है, यानी पी क्यू की माँ, यानी बी सी की माता, लीजिए बी सी की माता, और सी इंटू डी, इंटू क्या कहता है, इंटू कहता है पी क्यू का भाई, सी डी का भाई, सी डी का भाई। अब देखो ये दोनों आपस में भाई बहन जो भी हैं, इनकी माता कौन है, बी, और बी की जो बहन है, अच्छा ये था प्लस, प्लस का अर्थ है पी क्यू की बहन, यानी कि माइनस आएगा, माइनस आएगा, ए बहन है बी की। अब देखो सी और डी की माता कौन, बी, और बी की बहन ए, ठीक है, तो यहां लिखा चाची मामी ताई बुआ बुआ मौसी, मौसी मौसी तो बन रही है, ये कौन हो जाएगी, बी की मौसी, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। लिखा रुक्मणी का परिचय देते, मान लीजिए कि ये रुक्मणी है, ठीक, विजय ने कहा, अब विजय ये है, विजय क्या कहते हैं विजय, या मेरी पत्नी, अब मान लो इनकी पत्नी विजय की, ये पत्नी है कोई, या मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, एकमात्र भाई हो गया ये, भाई के पुत्र, ये पुत्र हो गया, पुत्र, पुत्र की ये माँ है, ये है, यानी रुक्मिणी जो है ये इसकी माता है, ठीक, तो इसका मतलब वो ये आपस में पति पत्नी हो गए, और ये दोनों आपस में पति पत्नी, ये दोनों, और ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो अगर रुक्मिणी के पति, यानी रुक्मिणी के पति, यानी ये व्यक्ति का विजय से, विजय का, ये व्यक्ति विजय का कौन हुआ, तो ये व्यक्ति कौन है, विजय की पत्नी, पत्नी का भाई क्या कहलाए, साला। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये दिए गए अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, तो संख्या निकाल देते हैं हम लोग, और प्रतीक, ये प्रतीक चले गए, संख्या भी चली गई यहां से, ठीक है, तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर एक ए, ए और पी है, बस ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैलेंडर का है, एक महीने का पहला दिन बुधवार, यानी कि 1 अप्रैल तो क्या है, बुधवार। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख, यानी 1 मई को कौन सा दिन होगा, देखिए अब अप्रैल में 1 तारीख हो गई, बचे कितने दिन, ये 30 दिन का होता है अप्रैल, 1 तारीख हो गई, यानी बचे इसमें बेटा कितने, 29, 29 में ऑड डेज निकालिए, 7 4 28, यानी कितना बचा, एक, एक ऑड डेज आ गया, और 1 मई, यानी एक ऑड डेज, ये कितना होगा टोटल, 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड करेंगे तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शुक्रवार यहां पर आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करो, पहचाने कौन सा विकल्प आरेख के संदर्भ में सही है, ठीक है, देखते हैं यहां पर हमें देखने, देखिए ये डायग्राम और ये रहा आपका, कह रहे कि डायग्राम देखिए, कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, पक्षी देखो सारे पक्षी तो क्या है, वायुयान है, तो ये क्या हो गया गलत, सभी वायुयान पक्षी हैं, सारे वायुयान पक्षी तो नहीं दिख रहे, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, पक्षी और उड़ने में तो संबंध ही नहीं बताया गया, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, हाँ ये सही, ये देखिए ये वो पार्ट है वायुयान का जो उड़ सकता है, डी राइट। चलिए आगे चलें, और ये रहा, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह कि प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इनटू, इनटू का अर्थ डिवीजन, डिवीजन का अर्थ प्लस, ये बॉन्ड मास पर आधारित है, यानी सबसे पहले डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने का काम। अब देखिए समझना, सबसे पहले भाग का काम करना, भाग की वैल्यू है किसको, देखिए इनटू, यानी यहां पर अगर हमने ये किया, यहां पर डिवीजन है लेकिन इनटू है, लेकिन इनटू का मतलब यहां पर क्या आएगा, डिवीजन लिखा है ना,
इंटू का अर्थ डिवीजन, तो थ्री टू जा टू हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसका मतलब माइनस का, यानी कि टू से टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो गया फोर, फोर आ गया। अब हम करेंगे एडिशन, एडिशन कौन करेगा, एडिशन करेगा डिवीजन वाला, यानी कि आठ चार, आठ चार बारह। अब आप सोचो और प्लस का मतलब क्या है, वन माइनस ट्वेल्व, इसका मतलब ये हुआ वन माइनस ट्वेल्व करोगे तो बेटा यहाँ पर सोचो क्या एट आएगा, नहीं आएगा, ये कैंसिल। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन यानी इनटू, इनटू की वैल्यू है डिवीजन, तो वन थ्री जा थ्री आ गया यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यानी माइनस की वैल्यू है, यानी कि थ्री टू जा सिक्स। फिर करेंगे एडिशन, एडिशन है डिवीजन की वैल्यू, डिवीजन यानी कि छः चार दस। अब आप ही देखो छः माइनस दस, यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो छः माइनस दस बचा, तो क्या छः से दस जाएंगे तो बारह आएगा, नहीं आएगा, वो भी कैंसिल। इसे करते हैं, सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन यानी कि इंटू, इंटू यानी कि नाइन फाइव चार बचे पैंतालीस, पाँच आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू है माइनस की, माइनस लगा पाँच और छः, पाँच छक्का तीस, तीस आ गया। अब हम करेंगे एडिशन, एडिशन किसका करेंगे, देखें एडिशन की वैल्यू किसके लिए है, एडिशन है डिवीजन, यानी कि पाँच छक्का तीस, यहाँ तीस और ये डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या प्लस ट्वेंटी थ्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका थ्री और थ्री टू फाइव फिफ्टी थ्री, और ये यहाँ पर है फिफ्टी थ्री, और माइनस का अर्थ प्लस का, यहाँ ट्वेंटी फाइव प्लस, प्लस का मतलब क्या माइनस, माइनस ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अच्छा एक बार से फिर से इसको करें, दे रहा हूँ यहाँ प्रोसेस, इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाले को। देखो बॉर्ड मॉस के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब लिखते हैं इसको जरा, ट्वेंटी फाइव प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, यानी माइनस सिक्स, माइनस का मतलब इंटू इंटू फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव और इंटू का अर्थ यहाँ क्या होता है, इंटू का मतलब डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा नाइन और डिवीजन का मतलब क्या है प्लस, प्लस ट्वेंटी थ्री। आइए सॉल्व करते हैं, नाइन फाइव सा पाँच का तीस, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस तीस प्लस ट्वेंटी थ्री। अब हम लोग करेंगे एडिशन, एडिशन होगा बेटा ये प्लस के ट्वेंटी फाइव है और ये प्लस के ट्वेंटी थ्री, इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना, सेम साइन वाले ही तो ऐड होंगे, तो बेटा फाइव थ्री एट और टू टू, टू टू हो जाएगा फोर, और इसमें से थर्टी माइनस का कितना वैल्यू आएगा एटीन, ये आपका ऑप्शन सी राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए एक और क्वेश्चन आ गया, क्या करना है, माइनस निम्न के समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे से बदल दिया जाए, इनको इनको बदलेंगे, इनटू और डिवीजन को एक दूसरे से बदल दो, तथा अंक तीन और सात को, तीन और सात को आपस में बदल दो, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगी इक्वेशन, 83, अब देखो थ्री को सेवन से बदलना, यानी यहां पर कौन आ जाएगा, थ्री की जगह पे सेवन, इनटू को किससे बदलोगे डिवीजन से, डिवीजन, सात की जगह क्या आएगा तीन, माइनस की जगह क्या आएगा ये देखिए प्लस, सात की जगह क्या आएगा तीन, नौ, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, फिर सिक्स, थ्री की जगह क्या आएगा सेवन, भाग की जगह क्या आएगा इंटू, सेवन की जगह क्या आएगा थ्री। अच्छा अब चलिए थ्री टू जा सिक्स, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, ओके ये डिवीजन कर दिया। डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी ये थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन यानी वन, थ्री सिक्स जा, थ्री सिक्स जा एटीन प्लस टू ट्वेंटी, ओके।
अब बना हमारे पास क्या, देखो ध्यान से देखिए, हमारे पास बन गया 29 प्लस 39 माइनस 208। अच्छा इनको जोड़ लो, 99 18 और 336 जी, ये प्लस नहीं बता। इसमें से देखिए 11 से 8 गए 3, 9 से 6 3 1, लेकिन माइनस के माइनस 133 ऑप्शन ए राइट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते भाई क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि पांच मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है ये पंक्ति हो गई बेटा, एक व्यक्ति यहां एक यहां दो, ये तीन ये चार ये पांच, ए और डी अंतिम छोर पर बैठे, या तो यहां बैठेगा ए बेटा या फिर डी, या तो यहां ए या फिर डी, जबकि बी ठीक बीच में बैठा है। बी कहां बैठा, बीच में बैठा है। यदि ए के बगल में कौन बैठा है, ठीक है यह जानना हो तो किस जानकारी की आवश्यकता हो, यानी ए के पड़ोस में कौन है, तो बी जो है सी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बी जो है वो सी और ई, यानी सी यहां आ जाए या ई यहां आए, यानी ई आए या सी आए, तो ए के पड़ोस में कौन होगा ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि तो बेटा ए मान लो यहां पे आपने फिक्स किया, तो यहां पर या तो कौन आएगा, सी आए ई आएगा, तो ए के पड़ोस में कौन है ये कंफर्म नहीं होगा। फिर क्या है, सी डी के बगल में नहीं बैठा, अच्छा यानी सी और डी पड़ोसी नहीं है। सोचो थोड़ी देर के, ये आपने ए लिखा और यहां डी लिखा, सी यहां नहीं बैठेगा तो सी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, और यहां कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो ए के बगल में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। आप चाहो इधर ए ले लो, इधर ले लो, इधर डी ले लो, और ये बीच में बी रहेगा। कह रहा है क्या, सी डी के बगल में नहीं, यानी सी इधर नहीं आएगा, तो सी इधर आएगा, बी इधर आएगा, तो भी ए का पड़ोसी कौन है, सी, यानी ऑप्शन बी, ये वाली आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में है, कह रहे हैं कि माइनस का अर्थ प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ ये और ये सब हम करते हैं। आइए जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिवीजन का काम करना चाहिए। डिवीजन किसका अर्थ है, डिवीजन इनटू का अर्थ डिवीजन है, तो इनटू किस में आएगा, इनटू यहां आएगा, है ना यहां, और इसका अर्थ क्या है डिवीजन, इसका मतलब ये हुआ यहां पर जब आप डिवीजन रखोगे, देखो सबसे पहले समझना, तो क्या 5 को 15 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं तो कैंसिल कर दो। फिर देखो कहां पर इनटू है, ये इनटू यानी कि ये आप आएगा यहां पर, तो क्या इस ऑप्शन के बेस पर आप 3 को 5 से डिवाइड कर पाओगे, नहीं, ये भी कैंसिल। अब आगे चले जरा आगे चलते हैं और ऑप्शन सी चेक करें, इनटू कहां पर है, यहां इनटू आएगा आपका, यानी कि इनटू का मतलब क्या, डिवीजन, डिवीजन, हाँ ये वाला 3 4 जा, इसको रख के देखते हैं, और ये है डिवीजन, डिवीजन का अर्थ क्या है, डिवीजन का अर्थ है प्लस, प्लस हो जाएगा डिवीजन, फिर माइनस 3 माइनस 5, माइनस का अर्थ है इनटू, यहाँ इनटू आएगा, फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस। अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, 3 4 जा, फिर 4 5 जा, यानी 4 5 20, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन, 20 20 और 6 20 और 6 21, 21 घटा 21 से घटा दीजिए 15, क्या बचेगा 11, ऑप्शन सी राइट। चलिए आगे चलते हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न के समीकरणों से हमें ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो और करने के लिए इनमें से जो भी विकल्प लागू हो उसका चयन कीजिए। आइए पहले देखते हैं, क्या खाली ए से पहले से निकलेगा इसका ए का मान, कैसे निकलेगा नहीं बता सकते, और ना ही खाली दो की इंफॉर्मेशन से भी नहीं निकल पाएगा, जैसा ही है वैसा ये भी है। करते ये है कि पहले जरा इस वन को लिखते हैं, 2a + b = 22, इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, देखिए क्या वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 4a + 2b = 54, और अब ये 3a, ये सेकेंड वाला, इसमें ये यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो, लेकिन सबसे पहले समीकरण 1 में 2 की गुणा कर दो,
और अब इसमें समीकरण दो ऐड करिए, तो यानी 3a माइनस 12, इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, लेकिन जब इसमें प्लस लाओगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये प्लस के 12 ही रहेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 7a, ये कैंसिल हो गया आपस में, इक्वल 7, 4, 2, 6, 4, 5, 7, 8, 4, 5, यानी बेटा a बराबर 8, यानी दोनों की जानकारी मिलकर के, यानी क्या ज्ञात करने के केवल एक समीकरण पर्याप्त है? नहीं, गलत, केवल दो ये भी नहीं। आइए आगे देखें, इसको चेक करें, a का मान ज्ञात करने के लिए ना तो अकेला समीकरण एक पर्याप्त है, ना ही अकेला समीकरण दो पर्याप्त, परंतु दोनों साथ में आवश्यक, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलें, करें किस आकृति में, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, यानी ये आकृति बनानी है, क्या ऑप्शन ए बैठेगा इसके लिए? देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको ये वाली डिजाइन चाहिए, और ये रहा हमारा ये, ओके आइए आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए ये, और ये रहा ये, अब हमको चाहिए और ये कहां, बस अब बचा ये वाला, और ये रहा ये, आपका विकल्प ए रहा। चलिए आगे चले, निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए, तो बाएं से पहले, बाएं से पहले चौथे, छठे, नवे और सोलहवें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित होगा? ठीक है, इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी आरोही क्रम में, सबसे पहले ए आएगा, ए फिर देखो बी है क्या, बी फिर सी है, सी डी नहीं है, ई ई एफ, देखिए एफ जी, जी है जी ले लीजिए, जी एच, एच आई जे, आई के बाद आना चाहिए जे है क्या, नहीं है जे, के देखिए के, एल एम, एम एन नहीं है, एन ओ नहीं है, पी पी नहीं है, क्यू ये क्यू रहा, आर आ, एस एस, टी टी, यू वी नहीं, डब्ल्यू और फिर एक्स, बन गया। आइए चेक करते बाएं से कौन कौन, पहला यानी कि ए ले लीजिए, पहला चौथा यानी एक दो तीन चार, यानी कि ई ले लीजिए, चार छ पांच छ यानी एच, छ नौ छ सात आठ नौ, एल ले लीजिए नौ, और सोलह नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यानी डब्ल्यू, क्या बना सकते हैं इससे? इस टीम एस तो है ही नहीं, डब्ल्यू एच एल ई वेल, डब्ल्यू एच ए एल ई वेल बन जाए, सही ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं, कह रहे कि इसमें पंचभुज घड़ी को, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा कर दूं ताकि आप सब देख सकें। हाँ, कह रहे कि यदि पंचभुज को, यानी ये इस वाली को 270 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक, जैसे कि मान लो ये है एंटी क्लॉक का मतलब क्या हुआ, जैसे ये एरो है, लगाया मैंने एरो, एंटी क्लॉक ये 90 डिग्री, ये कितना हुआ 180, और ये हुआ आपका 270, कितनी बार, तीन बार, तो ये हो गया देखो एक बार घुमाना, ध्यान देना एक बार, अब दूसरी बार फिर घुमाओ, तो 90
अब इधर हो जाएगा ये फेस इसका, फिर घुमाइए एक बार और, दो बार हो गया, तीन बार, 90, 180 और 270, यानी कि ये एरो लास्ट में इधर दिखेगा, यानी ये वाली डिजाइन राइट होगी, यानी ऐसे जो होगा ऐसे। तो इसमें है, इसमें है, इसमें इसमें नहीं, ये पेंसिल, ये पेंसिल, ये दोनों है, ठीक है। और देखते हैं, कह रहे हैं कि चतुर्भुज घड़ी की और चतुर्भुज को घड़ी की सुई की दिशा में 45 चार बार, ठीक है। तो इसको चार बार घुमाने का मतलब ये हो 45, दो बार घुमाओगे तो 90, 90, चार बार तो 180। तो देखिए 180 डिग्री में घूम जाएगा, तो ये इसी तरीके से आ जाएगा, यानी ये ऐसी ही बनी रहेगी, और ऐसी इसमें नहीं है, इसमें है, ये वाला राइट हो जाएगा। और क्या है, और अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब यानी एम का दर्पण प्रतिबिंब ऐसे ही रहेगा, ऑप्शन सी। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, संख्या 6, 3 के सामने, 6 के सामने क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो 3 के यहां पर देखिए बाईं ओर क्या है, 5, और ऊपर क्या है, 1, तो इसके ऊपर तो आ गया 2, इधर इसके, इधर देखिए दाईं ओर कौन है, 4, ठीक है। तो जो दाईं ओर होगा, जो बाईं ओर होगा, वो इसमें अंकों में आमने सामने नहीं होते हैं, यानी ये 5, 4 के सामने ना जा करके पड़ोसी भी रहेगा 3 का, ये आएगा नीचे, 4 के सामने आ जाएगा 1। इसका आंसर 2 = 5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, लॉजिकल रीजनिंग का बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा, सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही। ये देखिए लिखा है कि बदलते दौर की बात गवाही है कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में, बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, ऑप्शन एक सही है। फिर बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, तो ये नहीं लिखा है इसमें बड़े सितारों की वजह से, इसलिए सेकंड रॉन्ग है, केवल एक अंश लिखा है। अगला क्वेश्चन देखें, ये आ गया आपका सिलवट्टा। क्या है क्वेश्चन, कुछ सिंह क्या है, बिल्लियां, सभी बिल्लियां बाघ, सारी बिल्लियां क्या है, बाघ है, कोई भी बाघ हाथी नहीं, ले लीजिए कोई भी बाघ हाथी नहीं, और सभी हाथी खरगोश, कुछ बाघ सिंह है, तो देखिए बिल्कुल ये देखिए ये बाघ सिंह है, सही, कोई भी हाथी सिंह नहीं, हाथी और सिंह में कुछ बताया ही नहीं गया, इसलिए ये क्या होगा, रॉन्ग। कुछ बिल्लियां आती, बिल्ली और हाथी में तो कुछ नो टाइप का संबंध है, ये देखो इसकी वजह से, इसलिए बिल्ली हाथी में नोर होगा तो पॉजिटिव कैसे राइट हो जाएगा, रॉन्ग। कुछ बाघ बिल्ली, बाघ और बिल्ली, देखिए बाघ और बिल्ली में ऑल टाइप है तो सम टू राइट ही होगा, पहला और चौथा ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इस चीज को समझते हैं। बताना यह है आपको, क्वेश्चन यह है कि दी गई उत्तर की आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न की आकृति छिपी या निहित है। देखो सबसे पहले ये वाले डिजाइन किसमें दिखेगी, आपको ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये डिजाइन दिखेगी, ये देखिए मैं तो डार्क कर दूं ताकि आपको बात दिखे, ये देखिए ये गया, ये स्ट्रेट लाइन फिर नीचे आ गई, ये देखिए इसमें है, फिर ये स्ट्रेट गई लाइन, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन चली गई है ना, फिर नीचे आती है, ये देखिए नीचे आती है एकदम से, और फिर ये बिंदु करके चली गई, बताओ बन गया कि नहीं, बिल्कुल डायग्राम मिला, यानी ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का स्पीड टेस्ट। मैं यहाँ पे आपको एक बात लास्ट में बता दूं, स्पीड टेस्ट कैसा लगा, पहली बात तो ये बताओगे, और अब लगातार जितने भी एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, यानी कि एसएससी जीडी, चाहे एसएससी स्टेनो या एसएससी सीजीएल,
CHSL, ठीक है, या और भी इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जाम हो जिसमें भी रीजनिंग सबके स्पीड टेस्ट आपको मिले, अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन बैच चाहता है तो उसके लिए मेरे पास पेड बैच अवेलेबल है, और बहुत ही रीजनेबल मैंने रखा अपने बच्चों के लिए फी, जो फी है वो बहुत ही रीजनेबल है, ओनली 500 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट्स शेयर करिएगा सभी को, बहुत से ऐसे नीडी लोग होते हैं आप जानते हो जो दूर बैठे हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े शहरों में आकर के रहने को, और वो फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको अपने बहुत ही स्पेसिफिक जो वीडियोस हैं उनको मैं कंप्लीट टॉपिक वाइज जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं सब डिटेल में मैं वीडियोस बनाता भी हूँ और ऑनलाइन बैच को मैं पढ़ाता भी हूँ, तो जिनको भी रिक्वायर्ड है वो जरूर इस चीज को लें। साथ ही सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर उन्हें लगा कि अच्छा स्पीड टेस्ट है, और ऐसा स्पीड टेस्ट आप आगे चाहते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्पीड टेस्ट कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और कौन सा कॉन्सेप्ट और या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ये भी जरूर बताइएगा। स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।